हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, जो भी देश हैं, कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो सरकारी दस्तावेज होते हैं, जैसे हमारा देश भारत है, तो यहाँ पर ब्लैंक पेपर जो है हमारा सरकारी दस्तावेज होता है। जो भी हमें लिखना होता है ब्लैंक पेपर पर लिखते हैं। तो कई जो भी कंट्रीज़ हैं उनमें कई कई तरीके के सरकारी दस्तावेज चलते हैं, तो उनके बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। होप आपको सारी याद हो जाए आज के आज ही। ओके, तो ग्रीन बुक है वो इटली और ईरान में। तो इटली ईरान ग्रीन है, ऐसे आप ट्रिक बना सकते हैं। ग्रीन बुक जो है इटली ईरान में सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन के लिए प्रयोग की जाती है। अब इटली ईरान क्या है? ग्रीन है, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ऑरेंज बुक नीदरलैंड की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है, ठीक है। नीदरलैंड में जो ऑरेंज होते हैं ना, जो ऑरेंज सभी ने खाए होंगे, बहुत अच्छे लगते हैं, तो ऑरेंज नीदरलैंड में बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइट बुक। तो वाइट बुक पुर्तगाल, चीन और जर्मनी की जो सरकारी रिपोर्ट है प्रकाशन के लिए प्रयोग की जाती है। वाइट बुक पुर्तगाल, चीन। अब पुर्तगाल, चीन और जर्मनी के लोग जो हैं बहुत ही वाइट होते हैं, तो वाइट कौन होते हैं? पुर्तगाल, चीन और जर्मनी के लोग होते हैं, ठीक है। ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट होती है, मतलब हम ये दस्तावेज ना भी बोले तो आप समझ जाइए ब्लू बुक कहाँ की सरकारी दस्तावेज है, ब्रिटिश सरकार की, ठीक है। ग्रे बुक बेल्जियम और जापान की है, तो बेल्जियम और जापान के लोग हैं, ग्रेप्स बहुत खाते हैं, इसलिए ग्रे बुक यूज करते हैं, ठीक है। येलो बुक जो है फ्रांस सरकार की रिपोर्ट होती है। फ्रांस में येलो कलर बहुत पहना जाता है, ठीक है। तो फ्रांस में क्या होता है, येलो कलर बहुत पसंद किया जाता है, इसलिए येलो बुक जो है फ्रांस सरकार की सरकारी दस्तावेज है। ज्वाइंट पेपर जो है दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन करते हैं, ठीक है। और वाइट पेपर जो होता है वो ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी भी विषय पर रिपोर्ट करने के लिए जो होती है वाइट पेपर का प्रयोग किया जाता है। तो ये केवल 8 ही दस्तावेज थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, तो आप ट्रिक के साथ कोशिश कीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये आप हो जाएगा। इटली ईरान क्या है? ग्रीन है। नीदरलैंड में ऑरेंज बहुत अच्छे मिलते हैं। पुर्तगाल, चीन, जर्मनी के लोग वाइट हैं, और ब्रिटिश की जो दस्तावेज है वो ब्लू है। बेल्जियम, जापान में ग्रेप्स अच्छे लगते हैं, इसलिए ग्रे बुक वहाँ पर यूज करते हैं। फ्रांस में येलो कलर बहुत पसंद होता है, इसलिए फ्रांस की जो है येलो बुक है सरकारी दस्तावेज में। और ज्वाइंट पेपर दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट का प्रकाशन करने के लिए होते हैं। और वाइट पेपर ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी भी विषय पर रिपोर्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये था हमारा बहुत ही छोटा सा वीडियो, पर बहुत ही फ्रूटफुल वीडियो था। इससे एक एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। शेयर चैट डेली मोशन यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ऑडियो क्लिप रिवीजन सुनने के लिए आप हमें खबरी पर फॉलो कर सकते हैं। तैयारी बिगनर्स की के नाम से आपको हर जगह हमारा अकाउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।